हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है स्वर्गन मधुकर और आप देख रहे हैं एडवांस टेक मधुकर चैनल। तो कैसे हैं गाइस, आप आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं आप लोग के लिए एक फ्रिज लेके आ गया हूं, रेफ्रिजरेटर। ये गोदरेज कंपनी का और 150 लीटर का है। चलिए इसको देख लेते हैं खोल के कि इसमें सिंगल डोर दिया है कि डबल डोर दिया है और इसके अंदर में क्या क्या फंक्शन सेटिंग दिया हुआ है। 150 लीटर का है। मैं इसको भी लोकल शॉप से लिया हूँ, ऑनलाइन भी मिल जाता है। मैं आस पास अपना लोकल शॉप से लिया हूँ और ये भी मेरे को 14,000 रुपये पड़ा है लोकल जो प्राइस है उसमें। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। देख सकते हैं गाइस कितना बेहतरीन लुक डिजाइन का ये दिया हुआ है, गोदरेज कंपनी का फ्रिज है। चलिए मैं कवर बाहर कर लिया हूँ। इसको मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में प्लास्टिक वाला ट्रे दिया है कि नॉर्मल ट्रे है और कैसे इसका फंक्शन इसमें दिया हुआ है। 150 लीटर का है, 2 स्टार के इसमें मिल जाता है जो गोदरेज कंपनी का है, 2 स्टार का है। बाकी किसी किसी में 3 स्टार आता है, किसी में सिंगल स्टार आता है। इससे पहले जो वीडियो बनाया था LG कंपनी को, उसमें आप देख लोगे उसमें वो सिंगल स्टार का था। अभी जो बना रहा हूँ ये 2 स्टार का है। चलिए मैं इस डोर को ओपन कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर के बारे में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कितना बड़ा इसमें डिजाइन दिया हुआ है। एक इसमें यूजर मैनुअल मिल जा रहा है, इसके बारे में कुछ कुछ और जो भी कैसे खोलना कैसे बंद करना ये सब चीज में मिल जाता है। साइड में रख लेते हैं। एक इसका कवर मिल जाता है, इसको भी साइड में रख लेते हैं। एक इसको लॉक करने के लिए एक की मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पास। एक इसको डोर को बंद चालू करने के लिए एक की है, साथ में और कुछ नहीं है। इसके अंदर में मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा थोड़ा पास में ले और देख सकते हैं कितना बड़ा इसमें रखने के लिए दे दिया है। कुछ कुछ समय टेप लगा हुआ है, अभी देख सकते हैं कितना बड़ा के इसमें एक ट्रे दे दिया है। इसमें सब्जी वगैरह कुछ भी हम रख सकते हैं। एक इसके अंदर में यूजर मैनुअल दे दिया है, आप देख सकते हैं बड़ा वाला यूजर गाइड है, जिसको हम एक एक करके खोल के पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक एक सिस्टम सब इसमें दिखाया गया है, कहाँ पास क्या लगा है। इसमें नंबर मार्किंग भी किया हुआ है, तो साइड में रख लेते हैं। देख सकते हैं इसका जो ट्रे लगा हुआ है, ये ट्रे ये जाली सिस्टम है। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें इसमें जो प्लास्टिक का ग्लास वाला सिस्टम लगा था, इसमें ट्रे वाला है। एक बड़ा वाला इसमें फ्रीजर मिल जाता है, देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा इसका है। एक इसमें ठंडा करने वाला, इसमें कुछ भी हम बर्फ वगैरह जमा सकते हैं। इसके नीचे में जस्ट एक हमको ट्रे मिल जाता है, जो इसमें जो भी जो बर्फ बनता है, पानी बनता है, उसका इसमें आकर ये स्टोर हो जाता है। इधर पानी वगैरह गिरता नहीं है। यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है, इसमें जो लाइट लगा रहता है ये लाइट के लिए यहाँ पर एक स्विच है। लॉक स्विच मिल जाता है, ये जैसे जो स्विच है ये लॉक होता है तो इसके अंदर में एक लाइट लगा रहता है। यहाँ पर जो लाइट रहता है, ये स्विच बंद होगा तो लाइट बंद हो जाता है और चालू हो जाता है। जैसे ही हम इस डोर को क्लोज करेंगे, उस टाइम में हमारा डोर के साथ में क्लोज हो जाता है स्विच, और हमारा जो अंदर में जो लाइट लगा तो बंद हो जाता है। डोर खोलते हैं तो ये स्विच ओपन हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा लाइट चालू हो जाता है। एक यहाँ पास बहुत सारे फ्रिज में इसके अंदर में ही इसका जो ठंडा करने वाला जो सेटिंग दिया रहता है, जो स्विच है, इसको हम जितना ज़्यादा फुल में रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा अंदर में ठंडा होगा, और इसको जितना कम करेंगे उतना हमारा जो कूलिंग रहेगा वो कम होगा। इसको बाहर में दे दिया है, ये इसके अंदर में नहीं आता है। इसको जैसे हम क्लोज करेंगे तो ये अपना ये जो सेटिंग है ये बाहर में दे दिया है, इससे अंदर का ये नहीं है, ठीक है। चलिए इसके अंदर में एक और ये शेड दे दिया है, ये पीछे में लग जाता है, इसको एडिशनल दे दिया है। इस बारे में इसके अंदर में इसका जो यूजर गाइड है उसमें हम देख लेंगे इसको कैसे और कहाँ लगाना है। इसमें बहुत सारा और अलग अलग सिस्टम यहाँ पर दे दिया है। देखिए यहाँ पास एक रखने के लिए, अंडा रखने के लिए एक और यहाँ पास सेटिंग दिया हुआ है। यहाँ पास बड़ा सेटिंग दिया है क्योंकि जो भी कुछ ठंडा वगैरह मिनरल वगैरह पानी वाटर वगैरह सब इसमें रख सकते हैं। इसका सामने का बात कर लेते हैं। सामने आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका जो प्रिंट दिया हुआ है। ये सामने प्रिंट के वजह से ही ये इस फ्रिज का जो रेट रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर ये नॉर्मल प्लेन वाला रहता तो इसका रेट जो है अभी 14,000 अभी पड़ रहा है। अगर इस प्लेन रहता और दूसरा कलर रहता तो ये और कम में मिल जाता हमको। ये जो वारंटी दिया हुआ है,
एक साल का ऑल ओवर इस जो बॉडी पार्ट्स वगैरह में है, जिसके जिसके अंदर में इसका ये प्लास्टिक आ जाता है, इसके में जो बल्ब है, इसका जो स्विच वगैरह है, ऑल ओवर इसमें एक साल का वारंटी है। और इसका कंप्रेसर का बात करें, कंप्रेसर में 10 साल का वारंटी इसमें मिल जाता है, एक साल का इसमें रहता है ऑल ओवर प्रोडक्ट में, और उसके बाद में 9 साल का इसके कंप्रेसर में रहता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो टोटल इसमें 10 साल का वारंटी कंपनी गोदरेज कंपनी दे देता है। कोई भी स्टेबलाइजर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, ये डायरेक्ट हमारा चालू हो जाता है। वोल्टेज कम हो या ज्यादा हो, ये अपने ऑटो में ये मेंटेन कर लेता है, स्टेबलाइजर की इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। स्टार रेटिंग बात करें, स्टार रेटिंग 2 इसमें दिया हुआ है। प्राइस की बात करें, प्राइस अभी 14,000 लोकल मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।